हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेरे दोस्तों। देखो आज हम कहां आ गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी अपनी अलाइका शेख और मैं हूं आपका अपना रोहिन रॉबर्ट और आप हमारे चैनल पे हैं जिसका नाम है बिंदास ड्रामा। आज तो कोई बहुत खुश है क्योंकि आज हम एक बड़ी एक्साइटिंग सी जगह जा रहे हैं। ज्यादा लोगों को पता नहीं इस जगह के बारे में। दूसरा की थोड़ा सा ट्रैक करके जाएंगे और उसके बाद एक जगह आती है वहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है वहाँ पे। तो चलते हैं लेके आपको। लेट्स गो, यूहू। पागल ही हो गई। वो अभी तो जर्नी शुरू ही है। वो आया पानी। आराम से देखो दोस्तों कितना स्टीप रास्ता है जहाँ से हमको निकल के जाना है। ये फाइनली वो टास्क हो गया पूरा। पानी से आगे निकलते हैं। वेरी एक्साइटेड। ये जो मेरे पसीने जा रहे हैं ना चल के, मेहनत के दिख रहे होंगे कैमरा। मेहनत तो मेकअप में हुई थी। हाँ। वाओ बड़ी एक्साइटिंग जगह जा रहे हैं। नेचर डूड, नेचर। केव्स के बीच में से निकल के जाएंगे नेचर की। फिर से एक छोटा रास्ता आया है, बहुत ही छोटा है। इधर भी ग्रीन है पूरा, इधर भी ग्रीन है और यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स भी है, पत्थर है काफी सारे। बट आराम से ही चलना होगा, नहीं तो गिर गए तो मुंबई पहुँचना है ना। कुछ होता है नहीं, पहले ही गिर गए। अगर गिर गए तो यहाँ से सी है पूरा अंदर जाके, आराम से आना। हाँ बड़ा ही मस्त और एडवेंचरस रास्ता है यार ये तो। वो ऑसम। अब भाई नेचर के मजे लेने हैं तो गर्मी तो झेलनी पड़ेगी। आई एम टायर्ड, लुक एट मी, ये पसीना, ये मेहनत का पसीना। ये मेहनत का पसीना है। कितने चल दिए गोभी का फूल बनके, इसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। इसलिए बोलता रहता हूं इसको, वर्कआउट मत छोड़ा कर, वर्कआउट मत छोड़ा कर, करते रह कर। मैं नहीं करता वर्कआउट। हाँ पत्थर तोड़ती है ये। वो देख रहे दोस्तों कितनी कूल जगह है ये। इट्स ऑलमोस्ट अ प्राइवेट। ओह बच गया। अरे गया था अभी। मैंने बोला ना गिर मत जाना, सुन नहीं रहा है मेरी। सी थ्रू पानी और इसमें मछलियाँ, फिश छोटी छोटी, जंगल की बेटी आ रही है। मोगली की टोपी गिर गई। अब दिखाएं आपको हम कहाँ पे आए। बंदर भी आए। बंदर भी आए। थक गए रॉबर्ट। दोस्तों ले आए वाटर ब्रेक और आज चारों हम लोग यहाँ पे नेचुरल जकूजी में कूदने वाले हैं। वो वाइट वाइट जो है वो मुल्तानी मिट्टी है। लेके चलते हैं आपको अंदर। फिलहाल पीते हैं थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों आ गए हम मड बात लेने के लिए। मैंने आपको कहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। तो भैया क्या कर रहे हैं आप। ये सर मुल्तानी मिट्टी है। सर मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी है। नेचुरल एकदम नेचुरल। यही फॉर्म होती है। हाँ यही फॉर्म होती है सर। रेडी है मड बात लेने के लिए। मड बात लेने के लिए मैं रेडी हूँ। जैसे मेरी नल पॉलिश है वैसे मड बात लिखा हुआ है। वो यार स्टील, ये पूरा नेचुरल है, ऑर्गेनिक। जाओ गाइस देखते हैं कि ये चेहरा एकदम निखर के जब दिखेगा आपको तो कैसा दिखेगा। यारी मड बात से पहले की, चलिए पानी चला गया है, अब हमारी बारी मुल्तानी मिट्टी लगाने की। देखते हैं कि कहते हैं मिट्टी लगाने से निखर जाएंगे, स्क्रब अच्छा होता है। खुद लगाऊं दादा। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे आकर खुद भी आप मुल्तानी मिट्टी को रगड़ के बॉडी पे पूरा लगा सकते हैं। इट वर्क्स एज अ स्क्रब। एंड एक्चुअल में इसको लगाते लगाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी स्क्रब हो रही है। ये निखर जाएंगे तो क्या होगा मेरा। बता दी तू मेरे साथ रहेगा या मुझे छोड़ देगा निखरने के बाद। छोड़ूंगा तो नहीं। चल
चलो छोड़ेगा नहीं, निखर ही रहा है सिर्फ। सो हाउ यू फीलिंग मेरे किंग? तो सूख सुखाना पड़ता है क्या? सुखाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे वाह मिस्टर रॉबर्ट, इतनी नेचर से भरी हुई जगह आए और जूते चमका रहे हो बैठ के। वो इसलिए क्योंकि गाइस मेरे को पैर में थोड़ा सा स्लिपरी है, तो एक हाथ में कैमरा एक हाथ में सब कुछ होता तो चांस मिलना चाहता है, इसलिए मैंने शूज़ पहने। उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे वैसे भी रॉक्स अपने पैर में लगने अच्छे नहीं लगते। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। I told you. बच गया। बिल्डिंग चलेगी सारी। अरे 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 अरे। तो दोस्तों फाइनली मौका मिल चुका है मुझे मैडम की थोड़ी खातिर करने का। इनको लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी का लेप, बेटा मैजिक मिट्टी में नहीं है, पार्टी के हाथों में। मजा आ रहा है मैडम? बहुत मजा आ रहा है। बोला हाथों चंपी तेल मालिश बोल रही थी ना उस दिन, बॉय रखा है मैंने, देख लो क्या क्या काम करवा रही है। ये देखो देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ड्राई मिट्टी है। मंकी को लग चुकी है, मेरा मतलब मालिक को लग चुका है लेट। और अच्छा दिख रहा है, वेट करते हैं ड्राई होने का, तब तक थोड़ी देर चिल करते हैं बैठ के। सी यू गाइस जब तक हम ड्राई ना हो जाए। वी लव यू। सुखा रहे हो? ये देखें आप, एडवेंचर से लैस लड़की पत्थरों में चढ़ चढ़ के क्लियर पानी क्रॉस करके कहाँ पहुँच गई है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना ये सब करके, बहुत ज्यादा। ओह हो हो, आस्ते आस्ते थोड़ा सूख रहा है, बट हम कोशिश करें ज़्यादा धूप में रहें तो जल्दी सूख जाए, जल्दी सूखे और इफेक्ट पता लगे जल्दी से, ताकि उसके बाद पानी में कूदने का मन कर रहा है। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी सूख चुकी है और अब हम जा रहे हैं पानी में कूदने के लिए। वन टू थ्री। वाह दोस्तों, काफ़ी हद मिट्टी थी और मुझे लग नहीं रहा था, मेरे हाथ से तो काफी सारा टाइम निकला है। हमें गोरा हो गया, तो गोरा हो गया, अब हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं गोरे रंग से। पूरा छिलके इसमें फेंक रहे हैं ताकि जैसे ये जगह हमें मिली बाकी लोगों को भी वैसी मिले। कचरा ना करें, हाँ, ट्राई एंड कीप द प्लेस क्लीन, कचरा ना करें, साफ स्वच्छ भारत। मड बाथ भी ले लिया, सिम भी कर लिया, अब खुल रही है जादू की पोटली। बाबा इसमें क्या लाए हैं? देसी स्टाइल है हमारा, बट ज्यादा कुछ नहीं, हमने लाए हैं मटन कीमा। ओह हो, प्लीज सो आई मेक दिस। शक्ल दिखाएं पहले? हां, गरम ना गरम। ओह हो 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 हो, नेचर में बैठ के खाना खा रहे, कितना मजा आ रहा है दोस्तों। ये रहे हमारे पराठे। ओह हो हो हो, सो लेट्स ईट। निकल रहे हैं वापस इतनी खूबसूरत और एक्साइटिंग जगह को छोड़ के। चलो चलते हैं, बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया। अरे मैं रास्ता दिखा रहा हूँ अपने फॉलोअर्स को। आजा, ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है। अरे अरे अरे, ये जो मतलब ओलंपिक से प्रभावित होकर, बहुत बढ़िया। तो अभी सीधे चलते हैं यहाँ से सनसेट की तरफ, बीच पे, वहाँ मिलते हैं आपको। बाय जंगल की बेटी। इस बीच पे कभी भी पहली बार आ रहे, सो लेट्स गो बीच पे। ऑलमोस्ट हम बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ये जो जगह है ये आरंबोल के एंड की तरफ है, इसका नाम है क्लिफ साइड। आरंबोल की बीच से थोड़ा एंड की तरफ आते हुए है, वहाँ से शुरू में जब हम वहाँ से आए थे तो ये वो रास्ता है जाने का। तो अगर आप किसी को भी पूछो अगर आप गोवा आते हो स्वीट वाटर लेक का रास्ता किस तरफ से, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये
ट्रैक करके जा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आकर जो करना है आप कर सकते हो। अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप मड बाथ ले सकते हो, जो कि हमने लिया, जिसकी वजह से एक्चुअली मेरे को अभी तो फील हो रहा है कि मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई है। अभी तो घर जाके नहाना पड़ेगा, बट आई फील नाइस दैट इट वॉज समथिंग डिफरेंट दैट आई डिड टुडे। दूसरा कुछ क्या डिफरेंट किया, मतलब अलग किया, क्योंकि exactly. ट्रैकिंग करके अंदर जाने की थोड़ी मेहनत है, थोड़ा यहाँ पर चलना पड़ेगा, तो यू नो लोग अवॉइड करते हैं ऐसी जगह पे आना, लेकिन और आना चाहिए, इट्स लाइक अ थेरेपी। ये बिल्कुल थेरेपी की तरह है, तो जब भी अगर आप आरंभोल में हो, तो हमने ट्राई कर लिया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी हम आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके अंदर गए, यहाँ से बाहर निकले और अरे 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 पगली, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने रख लिया है अपने लिए एक पर्सनल कुली, जो बैग लेके आया, बैग कुली वहाँ रखो, बैग यहाँ हो। दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लोकेशन है ये, इतनी प्यारी हवा चल रही है और हा 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 हा, इट्स ऑसम। स्वीट वाटर लेक से लेके, और क्या कर रही है पागल, मेरे कान में पानी चला गया, मैंने बोला कान में पानी चला गया, मेरे कान में पानी चला गया। तो स्वीट वाटर लेक से लेके नमकीन पानी तक हम लोग यहाँ पे कितने मजे कर रहे हैं, देखिए आप। वो तो दोस्तों अगर इस जगह से रिलेटेड अगर हम कुछ भूल गए हैं, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम आपको हर डिटेल बता देंगे आपको। ओके, और हमने कितना एंजॉय किया, सच में इतना एंजॉय किया कि कहीं नेचर के लिए, तो मेरा हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, आप जब तक उसको फील नहीं कर देंगे फील। सो आई एम श्योर आपको हमारा ये मस्ती तड़कता भड़कता पानी और पानी के वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर, और आपको ऐसी मस्ती भरे व्लॉग्स हम आपको दिखाते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए बिंदास ड्रामे बाज से जुड़े रहें।